नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, इरफान खान की कमबैक फिल्म हिंदी मीडियम 2 लगातार चर्चा में है। प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने फिल्म की तैयारी भी शुरू कर दी है। उड़ते उड़ते हमें खबर ये मिली है कि इस फिल्म से पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर को बाहर का रास्ता तो दिखाई दिया गया था, लेकिन इरफान खान के ऑपोजिट हीरोइन कौन होगी, इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले इस रोल के लिए करीना कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन करीना कपूर ने मना कर दिया। तो अब ताज़ा खबर ये है कि फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस राधिका आप्टे को अप्रोच किया गया है। फिल्म में राधिका आप्टे इरफान खान की पत्नी के रोल में नजर आएंगी, और साथ ही फिल्म में राधिका मदान को भी लेने की चर्चा चल रही है। वो इरफान खान की टीनेज बेटी के किरदार में दिख सकती हैं। जी हाँ, वही राधिका मदान जो पिछले साल रिलीज हुई फिल्म पटाखा में नजर आई थी। साकेत चौधरी जो हिंदी मीडियम के डायरेक्टर थे, वो शायद इस फिल्म को डायरेक्ट ना करें, क्योंकि साकेत चौधरी पहले ही बता चुके हैं कि जो कहानी वो कहना चाहते थे वो हिंदी मीडियम में पहले ही दिखा चुके हैं और सीक्वल को डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ताज़ा खबर ये भी है कि होमी अदजानिया अब इस सीक्वल को डायरेक्ट करेंगे। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि हम आपको इरफान खान की अगली फिल्म के बारे में तो बताने लग गए, लेकिन इरफान खान की सेहत के बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता न करें, इरफान खान अभी स्वस्थ हैं, लेकिन अपना कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के बाद काफी कमजोर नजर आते हैं और उनकी सेहत को दुरुस्त होने में अभी 1 साल का समय और लग सकता है। तब तक इस फिल्म को लेकर और भी कई चीजें फाइनल होने की तरफ जाएंगी और साथ ही फाइनल हो जाएगा फिल्म का टाइटल भी। ओहो दोस्तों, हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। पक्की खबर ये है कि इस फिल्म का नाम हिंदी मीडियम से बदलकर अब इंग्लिश मीडियम हो जाएगा, और जो बेहतरीन किरदार आपको पिछली फिल्म में नजर आए थे वो भी बदल जाएंगे। और फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होगी कि इरफान खान की बेटी फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहती है और इरफान खान और राधिका आप्टे उसके लिए फंड्स जुटाने के लिए मेहनत करते हैं। ये फिल्म US और लंदन में शूट होगी। तो दोस्तों, आज के अपडेट में बस इतना ही। तब तक आप भी इंतजार कीजिए कि ये सीक्वल फिल्म फ्लोर पर कब जाती है।